ये देखो भाई साहब, इसको मैं आपको बगल से दिखाता हूँ क्या कर रखा है इन्होंने, कितनी लंबी ये बना रखी है। बाप रे बाप, इसको आप लोग देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने अपनी ट्रॉली को इतना बड़ा करके रखा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शुगर केन भर पाए इस वजह से। ये बहुत ही गलत है भाइयों, उसको इतना ज़्यादा ओवरलोड मत करो, अपने आप को भी रिस्क में डाल रहे हो, दूसरों को भी रिस्क में डाल रहे हो, ऐसा करना बिल्कुल भी कहीं से भी ठीक नहीं है। और प्रशासन को तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए विदाउट हेलमेट्स, अभी देखो थोड़ा सा छोटे शहर में आए, और ये देखो दादा को इन्होंने किस तरीके से रिक्शे को बाहर निकाल लिया। देखिए बगल में ट्रैक्टर भी चल रहा था, अगर ट्रैक्टर का ब्रेक ना लगता या मैं ना देख पाता तो वो लगता है इनसे कलाइजन हो जाता। तो भाई सब लोग देखो, कोई अगर ट्रैक्टर जैसे जा रहा था, इस रिक्शे वाले ने एकदम से निकाला सामने, बट इसको इस बात का आइडिया नहीं है कि हो सकता है कोई इस ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहा हो। अगर मान लो मेरी स्पीड ज्यादा होती और ये भाई साहब एकदम से सामने आ जाते तो मैं कैसे कंट्रोल करता, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी आप लोग अगर मेन रोड पे आ रहे हो तो भाई प्लीज जो भी गाड़ी आ रही है उसको निकल जाने दो, 2 मिनट वेट कर लो तब निकलो। कोई 2 मिनट वेट करने में कोई भी ऐसी दिक्कत वाली है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत लेट हो जाओगे, आपके पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। 2 मिनट वेट कर लो और सेफ रहो यार।